अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेज़ी। उसके लिए मैंने ये प्रिपरेशन कर ली है। और ये मैंने लिया है 1 kg चिकन और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है 1 कटोरी दही, और 1 लेमन ले लिया है मैंने, और ये मैंने ले लिया है 1 टेस्पून नमक और 1 टेस्पून लाल पिसी मिर्च। चिकन चंगेज़ी एक मुगलाई डिश है और ये शाही खानों में आती है। ये मुगलाई डिश है तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो हमने अपने चिकन को धो कर वॉश करके ले लिया था। इसमें मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेस्पून नमक और 1 टेस्पून लाल पिसी मिर्च, और मैं इसमें डालूँगी 1 कटोरी दही, और इसमें मैं डालूँगी 1 लेमन का जूस जिसे हम निचोड़ कर ले लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी लगती है डिश। इसे आप मेहमान आए या घर में भी आप बना सकते हैं। इवन बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है ये, और बहुत जल्दी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हमें ये भी लेना है वो भी लेना है, बहुत आराम से ये बन जाती है। और मैंने इसे अपने हाथों से कर लिया मिक्स। और अब देखिए, ये मैंने लिया पैन में 1/2 टेस्पून कसूरी मेथी जिसे मैंने रोस्ट करके रख लिया है, और मैंने पैन में लिया है ऑयल, और जो हमने मैरिनेशन वाला जो हमारा चिकन था उसे हमने 15-20 मिनट मैरिनेट किया है। आप पूरी रात भी कर सकते हैं। और ये मैंने पैन में सारे पीसेस को एक एक करके निकाल लिया है, और ये जो हमारी मैरिनेशन बची है इसे हम अपने ग्रेवी में यूज़ करेंगे आगे। मैं बताऊँगी कैसे। हम इसे 50% या 60% तक हम इसे कुक करना है, 100% कुक नहीं करना चिकन को। अब हम इसे ढक कर पका लेंगे। और ये देखिए, मैंने दूसरे बर्तन में चिकन को ट्रांसफ़र कर दिया था, और ये हमारे चिकन ने पानी छोड़ा है, अब ये बनेगा। और ये देखिए, मैंने पैन में ले ली थी प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, और काजू ले लिए थे थोड़े, तोड़कर मैंने काजू ले लिए थे, उन्हें फ्राई कर लिया था। और ये देखिए, हमारा चिकन 50-60% तक पक चुका है, 100% नहीं पकाना हमें। अब ये देखिए, मैंने जो प्याज और काजू लिए थे उन्हें मैंने थोड़ा पिंक कर लिया है प्याज को, अब इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम अपने कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, उसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पिसे हुए। इसे हमें फ़ाइन पेस्ट बनाना है, मोटा मोटा नहीं रहने देना है, फ़ाइन पेस्ट बनाकर हमें टमाटरों को भूनना है। अब ये देखिए, हमारे टमाटर बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने काजू और प्याज का पेस्ट बनाया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हमने ऐड कर दिया। अब देखिए, हम इसे अच्छे से चला लेंगे। टमाटर, प्याज और काजू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमारे मसाले का कलर कितना शानदार लग रहा है, ऐसे भूनेंगे हम। अब ये हमारा मसाला थोड़ा भुन चुका है, तो हमने जो चिकन की मैरिनेशन का मसाला था वो हमने इसी स्टेज पर डाल देना है। इसे भी हम मिक्स करेंगे। और इसमें मुझे थोड़ी लाल मिर्च डाली थी मैंने 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून से भी कम नमक डाला था। आप स्वाद अनुसार नमक और मिर्च डाल लें, इसमें मिक्स कर लें इसी स्टेज पर, कुछ आपको कम लगे तो। अब हमें इसे मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, जो मैंने पिंच ऑफ फूड कलर लिया है, बहुत थोड़ा सा, सिर्फ कलर के लिए। उससे थोड़ा रेड रेड सा कलर आ जाता है हमारे चिकन में, ग्रेवी में बहुत अच्छा लगता है ये। और देखिए, कितने कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर तैयार होगा बहुत आसान तरीके से। और ये हमारा मसाला देखिए भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने अपना चिकन अलग फ्राई किया था उसे डाल देंगे, उसे मिक्स कर देंगे अपने मसाले में। अब हम इसे 10-15% तक पकाएंगे, जो हल्की सी कसर है उसे हम हल्की आंच पर पकाएंगे। अभी हमने ग्रेवी में अपना चिकन डाला। अब ये देखिए, हमारे चिकन में और ग्रेवी में हमारा चिकन ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब हमें इसमें डालनी है क्रीम, तो मैंने इसमें 3.5 स्पून मैंने इसमें क्रीम डाल दी थी,
ये घर की फ़्रेश क्रीम है, बाहर की यूज़ कर सकती हैं आप, लेकिन घर की फ़्रेश क्रीम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखिए ये हमारा ऑयल रिलीज़ हो चुका है चिकन में से और बहुत अच्छी तरह से हमारी चिकन मॉइस्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी रोस्टेड, जो हमने रोस्ट की थी अपनी कसूरी मेथी, उसको डालना है। रोस्ट करने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप ऐसे भी डाल सकती हैं लेकिन रोस्ट करने से खुशबू ज़्यादा बेहतर हो जाती है, इसकी इनहेंस हो जाती है। अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। अब ये देखिए इसे 15 से 10 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पर पक के। अब ये आपको मैं निकाल कर दिखाती हूँ एक बाउल में। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन चंगेज़ी तैयार हो चुका है, इस पे मैंने ऊपर से क्रीम डाली, कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए हमारे चिकन चंगेज़ी की फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।